चॉकलेट जिसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था, अब हम इसको सीटी लगा देंगे कुकर में डालकर। देखिए चावले बॉईल हो चुके हैं, मैंने इसे 5-6 सीटी लगा ली थी। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्ची और इसे मिक्स कर देंगे और हमारा ये बेस्ट। मैंने चावलों में नमक और मिर्ची डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा प्रसाद रेडी है। मीठे चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल ले लिए हैं। अब इसको हम 3 पानी से अच्छी तरह से धोकर इसको आधे घंटे धोकर रख देंगे। देखिए मैंने इसे पानी से धो लिया 3 पानी में अच्छी तरह से और इसे आधा घंटा भिगो कर रख देंगे। देखिए मैंने एक बर्तन रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब मैं जिस नाप से हमने चावल लिए थे उसी कप के हम 2 कप पानी डाल देंगे। मैं 1 कप और डाल देती हूँ और उसको इसमें मैं 2 इलायची और 2 लौंग डाल देती हूँ और कुछ मैं सेफ्रन के स्ट्रेंड्स डाल देती हूँ। इससे क्या कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब मैंने इसमें पानी में चावल डाल दिए हैं और अब हमें इसे उबलने देंगे और हम इसे 90% ही उबालेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे। ये पानी सूख चुका है, अब हम इसे 5 मिनट ढक कर रख देंगे जैसे ये थोड़े और पक जाएंगे। एक कढ़ाई में मैंने देखिए 1 चम्मच घी डाल दिया है। मैंने यहाँ पे कुछ बादाम काजू और ये सूखा जो खोपरा होता है वो ले लिया है। अब हम इसको घी में भून लेंगे स्लो फ्लेम पर। अब इसको घी में हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए चावल 90% पक चुके हैं, अब हम इसको इस कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। हम इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल के रख देंगे गार्निशिंग के लिए, ऊपर से हमें ज़रूरत पड़ेगी। कढ़ाई में हमने ये चावल डाल दिए बॉइल्ड वाले, अब हम इसमें 1 कप हमने चावल लिए थे तो 1/2 कप चीनी डाल देंगे। ये 1/2 कटोरी दूध में मैंने कुछ सेफ्रन के स्ट्रेंथ डाल दिए थे वो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको घुमाकर हम 5 मिनट ढक कर रख देंगे और हमारी मीठे चावल जो तैयारी कहते हैं जैसे सिंधी में वो रेडी हो जाएगी। देखिए मीठे चावल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे ढककर 5 मिनट रख देते हैं फिर सर्व करेंगे। आइए इधर हम गेहूं के आटे का हलवा बना लेते हैं, क्योंकि प्रसाद में जब भी झूलेलाल जी का जन्मदिन होता है, चेटीचंड होता है, तो हमारे सिंधियों में ये है कि रिवाज है कि इसमें तायरी और ये आटे का हलवा, मिल्क रोज और ये चावले और छोले ये सब बनाया जाता है। तो आज भी हम यही बना रहे हैं प्रसाद, तो आइए अब हम हलवा बना लेते हैं। इसमें हम थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए आटा अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब इसमें 1/2 कप मैं चीनी डाल दूंगी। देखिए हलवा बन चुका है, अब मैं इसके ऊपर बादाम डाल देती हूँ। आइए आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल मिल्क रोज, जिसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को डालने वाले हैं। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें है काजू, बादाम और पिस्ता, 2 इलायची और ये खसखस और ये खरबूजे के बीज हैं, इसमें मैंने ले लिए हैं ये सारे। अब हम इसको पानी में भिगोकर रख देंगे 5-6 घंटे के लिए। आइए जो हमने शरबत के लिए भिगो के रखे थे ड्राई फ्रूट्स, इसे हम पीस लेते हैं मिक्सर में। देखिए हमने इसको पीस लिया है। मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है, अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ और ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ इसमें और ये कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं और इसमें लाल शरबत ये डाल देंगे गुलाब वाला। देखिए इसमें हम ब्लेंडर को मारेंगे तो एक तरफ से हमारी रोज मिठाई बन गई। देखिए आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए हैं, अब ये कुछ चेरी डाल देते हैं। देखिए केटीजन का प्रसाद रेडी है। ये है तैयारी मीठे चावल और ये है आटे का हलवा और ये है चावले।
तो यहाँ पर चेटीचंद में जब भी चेटीचंद मनाया जाता है तो ये प्रसाद बनाया जाता है। आप ये ठंडा ठंडा शरबत बनाकर पिए और हमारी तरफ से आप सबको चेटीचंद की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I don't know.